हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग अटेम्प्टेशन ऑफ 75% मार्क्स पेपर, वो सभी डाउट्स क्लियर करूँगी और बताऊँगी कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन शीट्स पर करना है और शीट्स पर आपको कौन सी डिटेल्स मेंशन करनी है। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने नोटिस में मेंशन किया है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 75% मार्क्स पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन। यूनिट सिस्टम ऑफ क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन अबोलिश्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि आपको मार्क्स का 75% पेपर अटेम्प्ट करना है, ना कि क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस का। सेकंड, आपको पहले कई स्ट्रीम्स में पेपर यूनिट वाइज आता था और यूनिट में से क्वेश्चन करना कंपलसरी होता था, पर इस बार यूनिवर्सिटी ने वो रिस्ट्रिक्शन हटा ली है। आप पूरे पेपर में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको क्वेश्चन पेपर की हेल्प से समझाती हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, फाइनल ईयर कॉमर्स स्ट्रीम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आप देखिए नोट लिखा है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस बार यूनिवर्सिटी ने रिस्ट्रिक्शन हटा ली है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, आप देख पा रहे हैं कि टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का है, ठीक है। अब आपको 5 क्वेश्चन टोटल करने हैं ना। आप देखिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कितने मेंशन है, ये देखिए 9 क्वेश्चन मेंशन है। अब आपको 9 में से कितने करने हैं इस बार, आप अपने मार्क्स का 75% निकालें। 80 का 75% दैट इज 60, तो आपको अपने पेपर में से 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं और वो 4-4 नंबर के हैं, ठीक है। आप इन 5ों में से कोई भी 4 क्वेश्चन चूज कर सकती हैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन कवर होगा जो कि 16 मार्क्स का कवर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन चूज करते हैं तो। अदरवाइज आप बाकी पेपर देखें तो हर क्वेश्चन 15-15 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो कोई भी 4 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 60 नंबर का पेपर कवर हो जाएगा, अगर आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। पर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को चूज़ करते हैं तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में से कोई भी 4 पार्ट्स कीजिए और बाकी जो 2 से 9 क्वेश्चन नंबर हैं उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। अब अगर अदर स्ट्रीम्स की बात करूं तो उसमें यूनिट गिवन होती है कि यूनिट नंबर 1 उसमें 3 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2 उसमें 3 क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 3 उसमें 3 क्वेश्चंस। उसमें क्या होता है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता था, अभी आपको कोई भी कंपल्शन नहीं है, आप पूरे पेपर में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, आपका अगर पेपर 80 नंबर का है तो आपको 60 नंबर का करना है, ठीक है। अगर आपका पेपर सपोज़ कीजिए कि 60 नंबर का आता है यहाँ पे, ठीक है, तो 60 का 75% कितना होगा, 45, तो आपको 45 मार्क्स का पेपर फिर अटेम्प्ट करना है। सो आई होप अब आपको कोई डाउट्स नहीं है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि आपको मार्क्स का 75% करना है, ना कि क्वेश्चंस का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का डाउट है कि शीट्स कैसी यूज़ करनी है, तो ये देखिए शीट्स का फॉर्मेट है। आपको फर्स्ट पेपर पर
ये सब इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स, जैसे सपोज़ कीजिए आपका रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है इन वर्ड्स, यानी कि जैसे 1, O-N-E-1, T-W-O-2 ऐसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास एंड सेमेस्टर। नेक्स्ट नेम ऑफ पेपर, अब आप ध्यान से देखिए आपके ये क्वेश्चन पेपर पर पेपर का नेम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसे जो भी आपका पेपर होगा आपको वो मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कोड ऑफ पेपर, अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, आपको मैं बता दूँ कि कोड ये नहीं होता, कोड होता है ये 1, 2, 3, 4, 6। आपको हर पेपर के राइट कॉर्नर साइड पे ये कोड मेंशन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड नहीं भरना आपने, आपने पेपर कोड वहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट, बेटा आपको 30 शीट से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, पर 30 से कम पर अगर आपका पेपर ओवर हो जाता है तो आप कम में भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उतनी ही शीट्स का नंबर मेंशन करना है जितनी आपने शीट्स भरी हैं, यानी कि जितनी शीट्स पर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, नेक्स्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम। नेक्स्ट आप देखिएगा हर शीट पर आपको सिग्नेचर करने हैं और हर शीट पर पेज का नंबर मेंशन करेंगे। अगर आपके पास शीट्स में ऑलरेडी ये प्रिंटेड है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद हर शीट पर अपना पेज नंबर मेंशन करेंगे। और नेक्स्ट शीट से क्या होगा, फर्स्ट शीट का तो फॉर्मेट ये रहेगा, नेक्स्ट शीट से आपको हर पेपर पर अपना रोल नंबर और कोड ऑफ पेपर मेंशन करना है और नीचे सिग्नेचर्स करने हैं। आई होप आपको शीट्स के रिगार्डिंग भी डाउट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको अपना रोल नंबर यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके ऊपर अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है और सिग्नेचर्स करने हैं, ठीक है। जब भी आप आंसर शीट की पीडीएफ बनाएंगे उसमें सबसे पहले पेज पर आपकी जो फ़ोटो क्लिक होगी वो आपका रोल नंबर होगा, ठीक है। सबसे पहली जो पिक आप क्लिक करेंगे वो रोल नंबर की, देन आपके पेपर के जो भी आपने आंसर शीट जो है फिल की है उनकी वन बाय वन करके आप पिक्स जो है क्लिक करेंगे और पीडीएफ क्रिएट करके अपलोड करेंगे। अब पीडीएफ कैसे क्रिएट करनी है और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे वो कैसे अपलोड होगी, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पहले से बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपकी भी सारे डाउट्स आज के क्लियर हैं। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।